हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो अर्निंग यूट्यूब पे होती है उसमें क्यों डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट टाइप की अर्निंग होती है। क्योंकि यूट्यूब में लॉन्ग और शॉर्ट दो तरह के वीडियो होते हैं, तो लॉन्ग वीडियो पे क्योंकि एड्स ज़्यादा आते हैं और इसमें मिड रोल एड्स भी होते हैं, इसके अलावा डिस्प्ले एड, एस्केपेबल एड और नॉन एस्केपेबल एड और मिड रोल ऐप होते हैं। मिड रोल ऐप अगर आप लगाते होंगे तो आपके ज़्यादा एड्स चल सकते हैं, लेकिन अब आजकल कुछ पॉलिसी निकल आई है तो यूट्यूब एड्स को भी कंट्रोल करने लगा है, तो उससे अर्निंग कम हो गई है। लेकिन बड़े वीडियो पे अर्निंग कैसे होती है और छोटे वीडियो पे अर्निंग कैसे होती है, ये आप वीडियो के RPM और CPM से जान सकते हैं। अगर आपको RPM CPM नहीं पता है तो हमने एक वीडियो RPM और CPM पे भी बनाया है, तो आप उसे देख करके RPM और CPM को सीख सकते हैं। CPM कम होने पर RPM भी कम होता है और CPM ज़्यादा होने पर RPM ज़्यादा होता है। CPM मतलब कॉस्ट पर माइल और RPM मतलब रेवेन्यू पर माइल, कितना आपको YouTube देता है काटने के बाद ऐड वाले को, तब फिर वो रेवेन्यू पर माइल कहलाता है। जैसे किसी एक वीडियो को खोल के हम दिखा देते हैं आपको, एनालिटिक में जाते हैं और इस वीडियो को लेते हैं। अब इस वीडियो को खोला और इसकी एनालिटिक आप देखिए, 149 व्यूज़ है, इसमें 49 व्यूज़ 48 आर में आए हुए हैं और इसमें ये देखिए पीक आर एक दिया हुआ है, यहाँ पर आपका ज़्यादा लोगों ने देखा है। इसका ऑडियंस रिटेंशन एवरेज परसेंटेज व्यू 7.9 है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन 2.03 है। इसका रेवेन्यू जो आप देखिए, तो इसमें देखिए 3.55 RPM है और जिसका CPM जो है 6.29 है। तो आप जब 3.55 को 146 से कैलकुलेट करिएगा तो 52 अर्निंग्स हुई है। तो इस वीडियो पे हमें देखिए इतनी अर्निंग हुई है, क्यों? क्योंकि हमारे पे व्यूज़ कम है। इसी पे अगर किसी का 1K व्यूज़ होता तो उसकी अर्निंग ज़्यादा होती। तो कॉस्ट पर माइल पे, माइल मतलब 1K पे, 1K पे 6.29 है, लेकिन ये इसका है वो 3.55 ही लगा रहा है इसका रेट। तो जब हमारे 146 व्यू आए तो उसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी अर्निंग 52 आएगी। अब हम किसी शॉर्ट की अर्निंग देख लेते हैं, तो इसको हम खोलते हैं तो इसमें देखिए 35.1K व्यूज़ आया है, लेकिन इसकी अर्निंग बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि शॉर्ट पर जब शॉर्ट फीड में जाता है तभी आपकी अर्निंग होती है। तो इसका रेवेन्यू जब हम लोग देखेंगे तो देखिए इसका RPM जो है 0.01 है, तो इस पे ऐड जो है वो शॉर्ट फीड से 91.6% गया है, लेकिन फिर भी इसकी अर्निंग 0.18 है। तो शॉर्ट और लॉन्ग में बहुत डिफरेंस होता है अर्निंग में। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कितने व्यूज़ पे कितनी अर्निंग शॉर्ट्स में होती है और कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो अर्निंग कैसे होती है और जो न्यू पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग अर्निंग कैसे होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। इसको देखने के लिए हम लोग को VN एडिटर में जाना पड़ेगा, जहां हमने कुछ टेबल्स बनाई हैं, लोगों का एनालिसिस करके फाइंड आउट किया है कि कितनी अर्निंग कितने पे होती है। तो उसको स्टडी करेंगे हम लोग और देखेंगे कि कितना अर्निंग किस पे होती है, शॉर्ट पे और लॉन्ग पे। अब चलिए हम लोग देखते हैं VN एडिटर में। VN एडिटर में जब जाएंगे तो हमने एक टेबल चॉक आउट की है जिसमें स्प्रेडिंग यान ने बताया है उनके हिसाब से चैनल में, गेमिंग चैनल में 120.04 रुपया 1000 व्यू पे मिलता है, टेक्निकल में 176.32 मिलता है, YouTube टिप्स पे 392.17 मिलता है, फैक्ट में 241.53 मिलता है
और अनबॉक्सिंग में 217.36 मिलता है। और अर्न मनी में अगर आप अर्निंग का चैनल बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको इनकम होती है। तो ये जनरल स्टडीज़ पे ये चॉक आउट करके बना हुआ है। जिनके करोड़ों में व्यूज़ आते हैं उनकी अर्निंग और ज़्यादा होती होगी। तो 1000 व्यू पे अगर 637 रुपया अर्निंग मनी में मिलता है तो आप ये सोचिए 1 मिलियन पे कितना मिलता होगा। तो बहुत ही ज़्यादा अर्निंग आपकी इस कैटेगरी में होती है। तो पहली है गेमिंग की कैटेगरी, दूसरी है टेक की कैटेगरी और तीसरी है यूट्यूब की टिप। जो टेक में कंप्यूटर्स और ये सब आया, गेमिंग में तो डिफरेंट गेम है, फ्री फायर है और पबजी है, और या न्यूज़ में आता हो। टेक में आपका कंप्यूटर से रिलेटेड और यूट्यूब टिप भी आता है। फैक्ट में आपका जो फैक्ट चीज़ें हैं, न्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें आती होंगी। और अनबॉक्सिंग में आप जो प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, रिव्यू करते हैं, जैसे मोबाइल है, अमेज़ॉन पे काम करते हैं आप और डिफरेंट प्रोडक्ट्स का रिव्यू करके डिफरेंट एक सेपरेट चैनल बनाते हैं जिसमें केवल प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसमें आपको अर्निंग होती होगी। फिर अन मनी में आप डिफरेंट ऐप्स के थ्रू अर्निंग करते हैं, इसमें आपका शेयर ट्रेडिंग भी आता है, इसमें आपका ऐप्स की अर्निंग आती है, इसमें आपसे गूगल की अर्निंग आती है, इसमें ऐड से अर्निंग आप कर सकते हैं, इसमें वेबसाइट से आप अर्निंग कर सकते हैं। मेन लोग जो है डिफरेंट ऐप से अर्निंग बताते हैं और शेयर ट्रेडिंग से बताते हैं। शेयर ट्रेडिंग एक डिफरेंट आस्पेक्ट है जिसकी स्टडी अगर आपकी अच्छी है तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके काम नहीं कर सकता है, क्योंकि मार्केट कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी, निफ्टी है कब ऊपर जाएगी कब नीचे, CNBC पे आप उसकी स्टडी करते रहिए, कौन से ब्लू चिप शेयर्स हैं, कौन से मार्जिन शेयर्स हैं, कौन से आपके डिफरेंट टाइप के शेयर्स भी होते हैं, तो उसकी थॉरो स्टडी जब होगी तो आप शेयर ट्रेडिंग में अच्छा काम कर पाइएगा। उसके ग्राफ की स्टडी आनी चाहिए, उसके कैलकुलेशंस आने चाहिए, उसके डिफरेंट चीज़ आनी चाहिए, तभी आप शेयर ट्रेडिंग में अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत से अर्निंग आपकी पेटीएम से है, रिडीम कोड से है, आपकी कैप्चा से है, आपके डिफरेंट ऐप से है, डिफरेंट कंपनीज भी आजकल डालने लगी हैं। आजकल तो टाटा जी और अंबानी ये सब भी अपने काम को बढ़ा रहे हैं इसके ऐप्स के थ्रू, लोगों से पैसा लेकर के, और उसको वुमेन्स के लिए अलग पॉलिसीज स्टार्ट की है जिसकी में आप 10,000 दीजिए तो वो अर्न करके आपको देते हैं। लेकिन सब ये बेट वाली चीज़ें हैं। अब लूडो का गेम बहुत लोग शो करते हैं कि आप खेलिए, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तभी आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिस्क लेने को तैयार हैं तब आप अर्निंग अर्न मनी वाले में जाइए, और आपके पास पैसा भी सफिशिएंट होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अपने बैंक से और UPI से सब में ट्रांजैक्शन अच्छे से आना चाहिए, जिससे कभी किसी मिस हैपनिंग हो तो आप अच्छे से जल्दी से अपना पैसा रिकवर कर पाइए, जैसे पेटीएम में आजकल प्रॉब्लम चल रही है। अब फिर दूसरा हमने स्टडी किया जिसमें कैटेगरी वाइज शॉर्ट पे व्यूज़ बहुत कम पैसा देता है, 500 पे 23 रुपया, 1000 पे 124 रुपया, 10,000 पे 2455 रुपया, 1,00,000 पर 70,024 रुपया, 10,00,000 पर 97,502 रुपया, और 1 करोड़ पे 13,24,507 रुपया। ये सब कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेट हैं, ये किसी पर्टिकुलर चैनल के लिए तो ठीक है,
ये एक एवरेज कैलकुलेशन करके लोगों ने बता रखा है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी के लिए हो। जिस पे जितने ज़्यादा व्यूअर्स आएंगे, जितना अधिक व्यूज़ मिलेगा, उसके हिसाब से आपका अर्निंग होगी। आप ये सोचिए कि बड़े यूट्यूबर जो बता रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी भी अर्निंग हो जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पहली बात तो आपके चैनल पे व्यूज़ ही नहीं आएंगे, और व्यूज़ आएंगे भी तो उतने अच्छे ऐड नहीं चलेंगे। ऐड पे भी डिपेंड करता है कि आपके शॉर्ट या लॉन्ग पे अर्निंग होती है कि नहीं होती है। क्योंकि अच्छे ऐड आते हैं तो उस पे अच्छी अर्निंग मिलती है। अच्छे ऐड से मतलब है कि उनका CPM RPM अच्छा है, और CPM RPM अच्छा होगा तो आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी। कुछ पॉलिसी YouTube की आई है, जिसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि 1 सब्सक्राइबर पे 1 रुपया, 50 सब्सक्राइबर पे 50 रुपया, इस तरह से मिल रहा है, 1,000 पे 1,000 रुपया। लेकिन ऐसा हमारे समझ में तो नहीं है। अगर जिनका व्यू अधिक है, उनको तो 1 सब्सक्राइबर पे 1 रुपया मिल जाएगा। 1 सब्सक्राइबर पे 1 रुपये का मतलब है कि वो अगर लाइव कर रहे हैं और 150 सब्सक्राइबर उनके देख रहे हैं, तो उसी समय में उनकी अर्निंग ज़्यादा होगी। और अगर आप न्यू कमर हैं और आप लाइव कर रहे हैं और आपके लाइव पे सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम हो जाएगा और आपकी अर्निंग कम होगी। तो सब कुछ मिलाकर ये है कि आपके चैनल पर अर्निंग तभी अच्छी होगी जब आपके कैटेगरी अच्छी हो, आपका व्यूज़ अच्छा हो, आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा हो, और एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा हो, आने वाला एड अच्छा हो, उसका RPM और CPM अच्छा हो। अगर CPM अच्छा होगा तो RPM भी अच्छा होगा, जो कि YouTube के काटने के बाद पैसा मिलता है। आई होप आपको सारी चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सोशल मीडिया को फॉलो करिए और प्रेस बेल ऑल ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।